पृथ्वी की ऋतु में। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने के कारण और पृथ्वी के झुकाव के कारण पृथ्वी पर चार ऋतुएं होती हैं। सीधे सीधे ऊपर नीचे जाने के बदले पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी की एक वर्षीय लंबी यात्रा में इस झुकाव के कारण ऋतुएं कैसे बनती हैं। यह सूर्य की ऊर्जा है। यह सीधे पृथ्वी से निचले अर्धभाग पर टकराती है, जिसे दक्षिणी अर्धवृत्त कहते हैं। उत्तरी अर्धवृत्त सूर्य से दूर होने के कारण ऊर्जा कम प्राप्त करता है। जैसे पृथ्वी के दक्षिणी अर्धवृत्त पर अधिकाधिक ऊर्जा टकराती है, तापमान बढ़ जाता है। अधिक सूर्य की रोशनी, लंबे दिन, गर्मी का समय। जैसे कम ऊर्जा पृथ्वी के उत्तरी अर्धवृत्त से टकराती है, तापमान कम होता है, वह ठंडा पड़ता है, रातें लंबी, दिन छोटे होते हैं, जाड़े का समय। अब हम देखें कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा करती जाती है। हम देखें कि सोल्स्टिस तथा इक्विनोक्सिस क्या है। गर्मी सोल्स्टिस, ग्रीष्म ऋतु का प्रथम दिवस। इस दिन 21 जून उत्तरी अर्धवृत्त सूर्य उत्तर से अत्यधिक दूरी पर होता है तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त तक का समय वर्ष में सर्वाधिक होता है। शीतकालीन सोल्स्टिस, जाड़े की ऋतु का प्रथम दिवस। इस दिन 22 दिसंबर उत्तरी अर्धवृत्त में सूर्य दक्षिण से अत्यधिक दूरी पर होता है और सूर्योदय और सूर्यास्त का समय वर्ष में अत्यधिक कम होता है। इक्विनॉक्स, वर्ष में जब दो बार दिन और रात समान लंबी होती है। सूर्य विश्व वृत्त को पार कर रहा है, पृथ्वी की मध्य भाग की काल्पनिक रेखा तथा वह उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर है। वसंत इक्विनॉक्स, वसंत ऋतु का प्रथम दिवस और ध्रुव पर सूरज की रोशनी की लंबी अवधि। उत्तरी अर्धवृत्त में मार्च 20 सूर्य विश्व वृत्त पार कर उत्तर की ओर बढ़ता है। दक्षिणी अर्धवृत्त में सितंबर 22 सूर्य विश्व वृत्त पार कर दक्षिण की ओर बढ़ता है। शरद इक्विनॉक्स, शरद ऋतु का प्रथम दिवस तथा ध्रुवीय क्षेत्र में अंधकार की लंबी अवधि का प्रारंभ। उत्तरी अर्धवृत्त में सितंबर 22 सूर्य विश्व वृत्त पार कर दक्षिण की ओर बढ़ता है। दक्षिणी अर्धवृत्त में मार्च 20 सूर्य विश्व वृत्त पार कर उत्तर की ओर बढ़ता है।